सभी को मेरा नमस्ते। आज का दिन शुरू करते हैं हम। आज टारगेट डे टू है, अभी ड्यूटी पर आ गया हूँ इसलिए आपको शुरू कर रहा हूँ। अभी ड्यूटी में कैसे जो बुरा नहीं मानेगा। और दूसरी बात, हमारे पास अभी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो दो चार दिन के अंदर बोर्ड आने के बाद हम बोर्ड पर डेली वीडियो बनाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा पीपीटी पे बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए बुरा नहीं मानना। और जो भी आपका कमेंट्स आता है ना, उसका रिप्लाई हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्दी देंगे, क्योंकि ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको उसके लिए बुरा नहीं मानना है भाई। और कल का वीडियो का जो रिस्पांस आया ना, वो बेहतर था, बहुत ही बेहतरीन। जिन्होंने भी कल टारगेट स्टार्ट करा है उनको बहुत बहुत बधाई आज के लिए, और जिन्होंने नहीं करा है भाई जल्दी स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज डे टू में हम चलते हैं, तो पहले अब मैथ में चलते हैं। मैथ में जो बचे खुचे थे टाइप वन, तो आपको टाइप वन पूरा कंप्लीट करना है, 151 तक क्वेश्चन उसमें। और आदित्य रंजन सर का जो अंकल पीडीएफ डाला था 9 पेजेस का, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद फिर रिवीजन डे डालूंगा, क्योंकि अभी सैटरडे, कल संडे है, तो कल आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा, कल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैथ में, तो आपको 1 to 25 आपको स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर रूट भी कर लेना है। अगर दोस्तों अब हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो एनालॉजी थे कल आप लोग शायद 41 या 46 तक ऐसा बनाया था क्वेश्चन, तो अब आज पूरा उस टाइप को ख़त्म कर देना है। आज मैं पेज डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, टाइप वन का जो है पूरा सेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद आपको रीजनिंग में फिर से एक बार जो भी क्वेश्चन स्टेप लगा हो उसको मार्क करके फिर उसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं जीके की, तो हिस्ट्री में आपको सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता पूरा कंप्लीट करना है, सिंधु सभ्यता पूरा कंप्लीट करना है, उसका बॉक्स पढ़ना है, कौन से जो सिंधु सभ्यता ही जो प्लेसेस है उसका इन्वेंशन कब हुआ, कब खोजा गया, उसको आविष्कार कब किया गया, और जो भी आविष्कार है जैसे आग, खेती, पहिया, ये सबको बढ़िया तरीके से नोटेशन करना है। उसके बाद जो भी नदी किनारे बसे शहर हैं उनको सॉल्व करना है, और पूरा बढ़िया तरीके से टेबल को ऑब्जर्व करके पढ़ लेना है, ठीक है। बात करें क्वालिटी में, क्वालिटी में आपको दिया था मैं कल 1833 तक का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833, 1853 ये चार्टर एक्ट पढ़ना है, उसके बाद 1909 भारत परिषद अधिनियम तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसके बाद हम भारत शासन अधिनियम पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ आपको पिछले दिन वाला भी एक बार रिवीजन कर लेना है। अब बात करें अगर ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में कल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको आज पूरा कॉस्मोलॉजी ख़त्म करना है, ब्रह्मांड ख़त्म करना है, कॉस्मोस ख़त्म करना है, और अच्छे तरीके से जो टेबल दिए गए हैं, भूगोल वेत्ताओं के नाम दिए गए हैं, उसको कम्प्लीट कर लेना है, और फिर एक बार रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। और बात करें हम उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था कि कल संडे है, तो कल संडे में आपको क्या करना है, पूरे दिन, दो दिन आज जो पढ़ा आपका, फ्राइडे को और सैटरडे को, इन दोनों दिनों को रिवीजन करना है, इन दोनों दिनों को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। आज सैटरडे को दे दिया रहेगी, नेक्स्ट सैटरडे से आपको टारगेट ये रहेगा, दोनों दिन का रिवीजन रहेगा, लेकिन ये पहला वीक है इसलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मंडे से फिर आपका नया फ्रेश टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज पूरा टास्क हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन कंप्लीट करके फिर कल पूरा दिन रिवीजन करना है। और डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया रहता है, आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम को भी लिंक दे रहते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, जो भी बुक्स आपको पसंद। और बहुत लोगों ने बोला भैया पिनेकल का ले लूँ, या फिर हम यूथ का मेरे पास है ऑलरेडी, आर एस अग्रवाल का है, तो जो भी आपके पास बुक है ना तो उससे पढ़िए, न्यू एडिशन है तो अच्छा है, पुराना है तो नया एडिशन लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप बस पढ़िए, अगर बुक नहीं है तो आप बुक नया लीजिए, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी पीपीटी पीडीएफ फ्री में जितना प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे विश्वास है कि जो भी लोग सीरियसली मेहनत कर रहे हैं वो मेरे साथ आगे तक जाएंगे, तो इस बार एनटीपीसी में, एनटीपीसी 2024 है, एक शीट को पक्का कर ही लेंगे। बस इस शुभकामना के साथ आज मैं सबको कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, जो भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी इन्होंने अच्छे से कल टारगेट कंप्लीट किया बिना किसी डाउट के कंप्लीट किया, उनको बहुत बहुत बढ़िया बधाई। अभी तो ड्यूटी जा रहा हूँ मैं, फिर कल मिलेंगे आपको, संडे को मैं मिलूँगा शाम को या फिर दोपहर में लाइव सेशन में ड्यूटी जाने के बाद, तो संडे को दोपहर में मिलते हैं, आफ्टरनून में, संडे को हम मिलते हैं आपसे आफ्टरनून में,
आफ्टरनून में आपके 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है दोस्तों, मतलब 14 आवर्स टू 15 आवर्स के बीच में आपसे मिलते हैं, ठीक है। उस दिन हम लाइव में जो भी आपका डाउट्स होगा एक्सटर्नली लाइव उससे बात करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का निवेदन था कि भैया कुछ बुक्स भेज दीजिए, मेरे पास ये बुक्स नहीं है। भाई आप टेस्ट दो, बढ़िया से मेहनत करो, आपको बुक्स भी भेज दिए जाएंगे, टेंशन न लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़ो, ओके। चलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।